हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं मॉर्निंग में बनाने जा रही हूँ पुलाव। तो अभी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी तेल और अभी मैं इसको सोयाबीन को भून लूँगी, थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और मैं पुलाव के साथ ये चाय बना रही हूँ मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जिसको पुलाव खाना पसंद है आ जाइए पुलाव खाने के लिए। ये रखा है पुलाव बनाने के लिए कटा हुआ ढेर सारा प्याज, टमाटर, मटर और अभी सोयाबीन को मैं भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन भून गई है। अब मैं कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल के इसमें डाल दूँगी जीरा। अब मैं इसमें डाल दूंगी खूब ढेर सारा प्याज। तो भी भून लेते हैं। ये मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनकी फरमाइश है आज पुलाव खाने की। तो आज बच्चे जो है लंच में ले जाएंगे पुलाव। और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। मैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ घर के सामान से। आप इसमें करी पत्ता, तेज पत्ता, लौंग, इलायची वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घर के मसालों से ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और अब इसमें नमक जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा और नमक, थोड़ी सी ये हरी मिर्ची जाएगी इसके अंदर। और अब इसमें जाएगा मटर और अब इसमें जाएगी सोयाबीन। अब ये ढककर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ ये सारा सामान पक चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल को। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये पुलाव बहुत ही अच्छा खाने में लगेगा। मैं पुलाव लंच के लिए बना रही हूँ और नाश्ते के लिए भी। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो लंच में ले जाएंगे, जो घर पे हैं वो नाश्ते में खा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है पुलाव, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। क्योंकि ये घर के कुछ ही मसालों से मैंने बनाया है, कुछ ही इसमें मसाले ऐड किए हैं मैंने, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं किया है और बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ मैं अब बच्चों के लंच में पैक कर देती हूँ पुलाव। ये बच्चों के फ्रेंड्स भी खा लेते हैं तो मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा ही रख दूँगी क्योंकि इनके दोस्तों को भी बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रख दूँगी। तो ये हो गया है बच्चों का लंच पैक और ये इधर बच्चे अपना नाश्ता कर रहे हैं चाय और बिस्किट से। तो फ्रेंड्स, मैं भी अब नाश्ता करने जा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। मैं करने जा रही हूँ, आज मैं नाश्ता पहले कर लूँगी और नहाऊँगी बाद में क्योंकि मुझे घर की आज सफाई करनी है, कल की जन्माष्टमी है तो इसलिए आज थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। तो कल जो है थोड़ा सा आधा काम हो जाएगा और आधा काम आज कर लूँगी, आधा काम कल हो जाएगा। अरे, और अगर एक साथ करेंगे तो थक जाएंगे, तो इसलिए मैं आधा काम आज कर लूँगी सफाई का और कल जो है डेकोरेशन करूँगी क्योंकि कल है कृष्ण भगवान का बर्थडे। तो हम अपने कन्हैया जी का जन्मदिन मनाएंगे कल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ, ये नाश्ते के ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, इनको मैं धोने जा रही हूँ, उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। तो ये बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और ये बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, अपने बहन का इंतज़ार कर रहे हैं कब इनकी बहन आए। और जैसे ही इनकी बहन आएगी
तो ये स्कूल चले जाएंगे। जैसे ये बच्चे हमारे बाहर जाने लगे वैसे ही हमारी ये काजू भी पीछे पीछे चलने लगी, तो हमने इसको भी बाहर बांध दिया है। जब बच्चे चले जाएंगे तो हम इसको अंदर ले लेंगे काजू को। तो फ्रेंड्स बर्तन तो धुल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने। फ्रेंड्स बच्चों की स्कूल की बैन आ गई है और अब ये बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, देखिए जा रहे हैं। तो हम भी अपना गेट बंद कर लेते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ टेबल की सफाई, क्योंकि कल जो है इसी टेबल पर हम सजावट करेंगे जन्माष्टमी की, इसीलिए मैं इस टेबल को साफ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अपने रूम में और ये अब हम मंदिर की भी सफाई कर लेंगे। ये हमारा पर्दा मंदिर का जो है गंदा हो गया है, तो हम इसको निकाल कर धो लेंगे। धूल मिट्टी बैठ गई है बहुत ज्यादा। ये मंदिर की भी सफाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चूहों ने सारा काट काट के जो भगवान जी की माला होती है वो सारी काट काट के खराब कर दी। ये चूहे तो बहुत ही दिमाग खराब करते हैं, सारा सामान काट देते हैं, कपड़े जो भी कुछ है सब काट देते हैं लेते हैं। देखो चूहे के, चूहों ने पोटी कर रखी है मंदिर के ऊपर। डेली सफाई करो फिर भी चूहे डेली डेली गंदा कर देते हैं। इसको उठा के साफ कर देते हैं। सफाई तो फ्रेंड्स मंदिर की भी हो गई है सफाई, अब हम रूम की सफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स अकेले वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम भी करना होता है और वीडियो को भी शूट करना होता है, तो नहीं हो पाता है। मैं अकेली वीडियो को शूट करती हूँ और काम भी करती हूँ, बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अभी मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए मुझे। और फ्रेंड्स मैं वीडियो जो है घर की शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं घर की वीडियो शूट करती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ तो ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो को, नई नई जगह पे अगर मुझे जाने को मिले, लेकिन मुझे जो है जाने को नहीं मिलता है, तो मैं घर की ही वीडियो शूट करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चे भी जो है मेरा साथ नहीं देते हैं, वीडियो शूट नहीं करवाते, क्योंकि उनके जो स्कूल में है सर ने मना किया हुआ है वीडियो में आने के लिए। तो मैं कभी कभी उनकी वीडियो थोड़ी बहुत शूट कर लेती हूँ, जैसे कि कुछ खा रहे हैं, मैंने जो बनाया है कुछ खा रहे हैं, तो उसकी मैं थोड़ी बहुत शूट कर लेती हूँ, वैसे वो वीडियो में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अकेले ही वीडियो को शूट करती हूँ, अकेले ही काम करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे पता है फ्रेंड्स आप उन्हीं लोगों की वीडियो को ज़्यादा देखते हैं जो लोग बाहर नई नई जगह पर जाते हैं और वीडियो को शूट कर करके दिखाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे जो है जाने को नहीं मिलता है, तो मैं घर की ही वीडियो शूट करती हूँ और घर की वीडियो ही बना के डालती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को देख लिया कीजिए, मैं वीडियो इतनी ख़राब भी नहीं बनाती हूँ। और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स रूम की तो हो गई है सफाई और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। फ्रेंड्स बच्चे आ गए हैं स्कूल से और ये हमारी काजू बहुत खुश हो गई बच्चों से मिलके, बहुत खुश हो जाती है हमारी काजू जब बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ ही खेलती है, बहुत मज़ा आता है इसे। हेलो काजू, काजू देखो देखो देखो, आहा
कह रही है खोल दो मुझे, क्यों बांध रखा है। विशाल खोल रहे हैं इसको, विशाल से कह रही है ये खोल दो मुझे, प्लीज मुझे खोल दो। ये खुल गई, आजाद हो गई। कहाँ गई ये देखिए, आजाद हो गई तो कितनी खुश हो गई। आ हा हा मैं आजाद हो गई, आजाद पंछी हो गया। ओ आजाद पंछी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ दाल और रोटी। ये अरहर की दाल बनाई है और अभी मैं आटा गूंथ के रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रोटी बनाना शुरू कर दिया है। और ये देखिए रोटी कैसे फूल रही है, जैसे इसके अंदर हवा भर दी हो, गुब्बारे की तरह रोटी फूल रही है। ये देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स, मेरी रोटी गोल बनी है या नहीं। तो मैं सारे फुलके बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर सबको खाना लगाती हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है मुझे भी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना के तैयार कर लिया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो ये देखिए ये दाल बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि थाली में तो इतना सारा खाना दिख रहा है, मैंने सिर्फ दाल और रोटी बनाई थी। तो मैं आपको बता दूँ कि चावल तो मैंने सुबह ही बनाए थे पुलाव के लिए, और उसमें से थोड़े से चावल बचे हुए थे तो मैंने थाली में चावल को भी शामिल कर लिया। और ये भिंडी की सब्जी जो है रात को बनाई थी, तो रात को जो है मैंने फ्रिज में रखी थी इसको, और इसमें तो मैंने अभी भिंडी को भी शामिल कर लिया है थाली में, वरना ही नाराज़ हो जाती, कहती कि हमें तो शामिल किया नहीं है। इस दाल को भी शामिल कर लिया, चावल को भी शामिल कर लिया, रोटी भी है और हमें सिर्फ अलग ही फेंक दिया, तो हमने इसको भी शामिल कर लिया वरना ये नाराज़ हो जाती। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी नींबू। दाल के अंदर नींबू डालने से बहुत ही अच्छी लगती है दाल खाने में। आओ वरुण तुम भी खाओ आगे, क्यों वहाँ पे इधर उधर घूम रहे हो, पानी पड़ा है उधर। साल खाना खा लो आगे, देखो उधर बैठ जाओ आगे, जान पूछ के उधर जा रहे हैं ना, वीडियो में नहीं आना चाहते, बस जान बूझ के सीए ऐसे। बहुत ही अच्छी दाल बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये कच्चा प्याज है, दाल के साथ में कच्चा प्याज खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी खाना जो है बेकार नहीं होने देती हूँ, उसको अपने खाने में शामिल कर लेती हूँ, चाहे वो रात का हो या सुबह का हो। फ्रिज में तो अच्छा ही बना रहता है, और वैसे भी ये रात की थी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।